इसराइल के लिए अब लग रहा है कि जैसे बुरे दिनों की शुरुआत हो गई है। हिजबुल्लाह के चीफ कमांडर को ढेर करने के बाद से वो लगातार एक एक करके नई मुसीबतों में फंसता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि इसराइल ने सिर्फ एक नसरल्लाह को मारा था और अब खबर आई है कि 100 और नसरल्लाह पैदा हो गए हैं। जी हाँ, चौंकिए मत इस खबर पर, क्योंकि ये 100 आने सच है। दरअसल इसराइल और हमास की लड़ाई के बीच हिजबुल्लाह आया था। हिजबुल्लाह चीफ की ओर से लगातार धमकियां दी जा रही थी, लेकिन अचानक से इसराइल ने पहले तो हमास के दोनों चीफ को मार गिराने का दावा किया और उसके ठीक बाद उसने हिजबुल्लाह के चीफ को भी हमले में ढेर कर दिया। इसके बाद से ईरान और इसराइल में महायुद्ध की नौबत खड़ी है। 200 मिसाइलों से ईरान ने इसराइल पर हमला बोला था और अब इसराइल युद्ध की तैयारी में है। अब एक और खबर इराक से आ गई। दरअसल इराक के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक ये जानकारी दी गई कि लेबनान के चरमपंथी संगठन हिजबुल्लाह के चीफ हसन नसरल्लाह की हत्या किए जाने के बाद से करीबन 100 नवजात बच्चों का नवा जन्म हुआ है। हैरानी की बात है कि इन सभी का नाम नसरल्लाह रखा गया है। मंत्रालय ने इराक के विभिन्न क्षेत्रों में नसरल्लाह नाम वाले 100 बच्चों के जन्मों का रजिस्ट्रेशन कर लिया है। इराक के कई स्थानीय मीडिया चैनलों पर यह खबर छाई हुई है। एक स्थानीय न्यूज चैनल की रिपोर्ट के मुताबिक यह कदम प्रतिरोध के शहीद के सम्मान के लिए लिया गया है। वहां चर्चा है कि नसरल्लाह की मौत के बाद उसका नाम नई पीढ़ियों के लोगों के लिए उत्साहजनक होना चाहिए और अभी से ये उत्साह दिखने भी लगा और उसी से प्रेरणा लेकर लोग अपना नाम भी नसरल्लाह रख रहे हैं। बता दें कि अरब देशों में नसरल्लाह के नाम को लेकर अलग ही क्रेज रहता है। इसका मतलब होता है खुदा की जीत। यही नहीं, इसके साथ ही यह नाम संघर्ष और प्रतिरोध की भावना को भी जाहिर करता है। नसरल्लाह की मौत के बाद तो यह नाम और भी तेजी से लोकप्रिय होता हुआ नजर आ रहा है। बीते 27 सितंबर को ही हिजबुल्लाह का गढ़ माने जाने वाले बेरूत के दहिये में इजरायली सेना के हमले में नसरल्लाह की मौत हो गई थी। इसके बाद से ही ईरान और इजरायल आमने सामने खड़े हैं। यहां तक कि दूसरे मोर्चे पर इजरायल लेबनान में घुसा पड़ा है, वहां भी वो लगातार ग्राउंड अटैक कर रहा है। हालांकि इजरायल को यहां झटका भी लगा, उसमें 8 से 10 सैनिक उसके मारे जा चुके हैं। कहा जा रहा है कि इजरायल अब सीधे तौर पर लेबनान को खत्म करना चाहता है। वो चाहता है कि किसी तरीके से वो हिजबुल्लाह को पहले समाप्त कर दे ताकि उसके लिए कोई और दुश्मन न खड़ा हो। गौरतलब है कि ईरान की तरफ से 200 से ज्यादा मिसाइलों से हमला कर इसराइल को यह चेतावनी दी गई थी कि वो आगे अगर किसी प्रकार से कोई कदम उठाता है तो ईरान उसका खात्मा करने को तैयार बैठा है। ऐसे में 100 नसरल्लाह वाली ये खबर अपने आप में इसराइल के लिए बेहद आश्चर्यजनक और हैरानी की बात होगी, क्योंकि इसराइल ने नसरल्लाह को मार गिराने के बाद ये सोचा था कि हिजबुल्लाह जैसे इस चीफ के नाम को लेकर भी अब लोगों में भय होगा, लेकिन ये मामला अब उल्टा पड़ चुका है। इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें लाइव हिंदुस्तान।